नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मेरा रामचरितमानस का अयोध्या कांड पाठ अवश्य देखते होंगे। तो कल तक आप लोगों ने जाना था कि माता कैकेयी ने श्री राम को वनवास दे दिया था, जिसके चलते वो वनवास जाने को तैयार थे और अपनी माता कौशल्या से मिलने के लिए गए। फिर वहाँ सीता जी भी आ गई और उन्होंने हर घर में दिखाई कि भाई मुझे भी जाना है। तो उसके लिए सीता जी कहती हैं, भोग रोग के समान है, गहने भार रूप है और संसार यम यातना के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदायी नहीं है। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त हो जाएंगे। हे नाथ, आपके साथ पशु और पक्षी ही मेरे कुटुंबी होंगे, वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे और पर्णकुटी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही मेरे सास ससुर के समान मेरी सास संवार करेंगे और कुशा और पत्तों की सुंदर साथरी मतलब बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। तो आप सब लोग जानते ही हैं कि ये पाठ मैं एक मंदिर के लिए कर रही हूँ। मंदिर गांव का है और कुलदेवी का मंदिर है, जिसके लिए हाँ मैं ये प्रयत्न कर रही हूँ। तो आप सब लोग इसमें मेरा साथ दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और जो मैं पाठ पढ़ रही हूँ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन भी मिलती रहे और मैं अच्छे से पाठ पढ़ती रहूँ। और आप लोग सब्सक्राइब के साथ में एक नोटिफिकेशन बेल है, उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं पाठ डालूंगी तो आप लोगों को तुरंत ही मिल जाएगा। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के बालकांड पाठ में। बालकांड नहीं, अयोध्या कांड पाठ में। अभी अयोध्या कांड पाठ शुरू हो चुका है, तो आज का पाठ शुरू करते हैं। कंद मूल फल अमीय आहारु, अवध सौद सत सरिस पहारु, छिनु छिनु प्रभुपद कमल बिलो की, रही हूँ मुदित दिवस जिमी कोकी। कंद मूल और फल ही अमृत के समान मेरे आहार होंगे और पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकबी रहती है। वन सुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घने रे, प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिली हो ही न कृपा निधाना। हे नाथ, आपने वन में बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी प्रभु के वियोग के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। अस जिय जानी सुजान शिरोमणि, लेइए संग मोही छड़िए जानी, बिनती बहुत करो का स्वामी, करना मैं उर अंतर जामी। ऐसा जी में जानकर कि हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले चलिए, यहाँ ना छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूँ, आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। राखिए अवध जो अवधि लगी, रहत न जानिए प्राण, दीन बंधु सुख सुंदर सुखद शील स्नेह सीधा निधान। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे।
मोहि मग चलत न होई ही हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी, सबही भांति पिए सेवा करी हो, मारक जनित सकल श्रम करी हो। शन शन में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट न होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावटों को दूर कर लूंगी। पाए पघारी बैठी तरु छाही, करी हूँ बाहु मुदित मन माही, श्रमकन सहित श्याम तनु देखे, कह दुख समऊ प्राणपति एखे। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ मिलेगा। सम्मही तृण तरु पल्लव डासी, पाए पलोटी ही सब निसी दासी, बार बार मृदु मूर्ति जो ही लागी है तात बारी ही न मोही। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबावेगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझे गर्म हवा भी ना लगेगी। कौ प्रभु संग मोही चितव निहारा, सिंह बंधु ही जिमी ससक सियारा, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मो कहूँ भोगू। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है। जैसे सिंह की स्त्री को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ वन के योग्य हैं। आपका तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसे वो वचन कठोर सुनी जो न हृदय बिलगान, तो प्रभु विषम योग दुख सही हहीं पावर प्राण। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय ना फटा तो हे प्रभु, मालूम होता है कि यह पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। असकहीं सीए विकल भई भारी, वचन वियोग न सकी संभारी, देखी दशा रघुपति जिए नाना, हटी राहे नहीं राखिए प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गईं। वे वचन के वियोग को भी न संभाल सकी, अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग को बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गईं। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखने से यह अपने प्राणों को भी ना रखेंगी। कहो कृपाल भानुकुल ना था, परिहरी सोचू चलहु बन सा था, नहीं विषाद कर अवसरु आजू, बेगी करहूँ बन गवनु समाजू। तब कृपालु सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो, आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। तो मैंने हर वीडियो में आपको बताया है कि मैं ये पार्ट मंदिर के लिए कर रही हूँ, और इस पार्ट में भी मैंने शुरू में बताया था। तो उस पार्ट की उस मंदिर की वीडियो में आपको डाल देती हूँ, आप लोग देख लीजिए। और कमेंट बॉक्स में तो मुझे अवश्य बता दीजिए कि आप लोग को कैसा लग रहा है वो मंदिर, आपको मंदिर कैसा लगता है, आपको मेरा पाठ कैसा लगता है, कुछ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तो अवश्य बताएं। और जो लोग भी देख रहे हैं कम से कम लाइक करें,
और लाइक करके भी मुझे पता लगेगा कि भाई हाँ आप लोगों को ये पार्ट अच्छा लग रहा है, तो आप लोग लाइक ज़रूर करते चलें साथ साथ। और मैं आपको ये पार्ट मंदिर जो है जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो मंदिर की वीडियो मैं आपको डाल देती हूँ। जो लोग पुराने हैं, जो पहले से जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन लोगों को तो पता ही होगा कि उन्होंने देखा ही होगा वो मंदिर, बट जो नए हैं, जो लोग नए देख रहे हैं, जो पहली बार ये वीडियो देखेंगे, उनके लिए मैं वो मंदिर की वीडियो डाल देती हूँ। तो वो मंदिर की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आप लोगों ने देख लिया होगा। जो लोग जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए एक थैंक्स कि भाई आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, और जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सभी लोग सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें अपने परिवारगणों को, मित्रगणों को, ताकि मेरा जो मैं जो ये प्रयत्न कर रही हूँ मंदिर बनाने के लिए, इस मंदिर के लिए, वो प्रयासरत रहे और उसमें सफल हो पाऊँ। मैं अपना अच्छा से प्रयास तो कर ही रही हूँ और सफल हो पाऊँ उसमें मैं। तो यही है, आप लोग सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करके मुझे बताएं कि भाई हाँ आप लोगों को कितना अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है। कमेंट भी कर दीजिए कि अच्छा लग रहा है, और आप कोई कौन सा इसमें कोई चेंज करना चाहते हैं तो मैं कर सकती हूँ। वैसे मैं चेंज करके देख रही हूँ कि किस तरीके से अच्छा लगेगा। तो चलते हैं आज के पार्ट पर। कहीं प्रिय बचन प्रिया समुझाई, लगे मातबद आशीष पाई, बेगी प्रजा दुख मेटब आई, जननी निठुर बिसरी जनी जाई। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों को लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना, और ये निष्ठुर माता तुम्हें भूल ना जाए। फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी, देखूं नयन मनोहर जोरी, सुदिन सुगरी तात कब होई, जननी जियत बदन विदु जोही। हे विदाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर से देखेगी? बहुरी बच्च कहीं लालू कहीं रघुपति रघुबर तात, कबहीं बोलाई लगाई, हिये हर्षी निरकी हूँ गात। हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर, मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी? लखी स्नेह कातरी महतारी, बचनू न आव बिकल भई भारी, राम प्रबोधु कीने विधि नाना, समऊ स्नेहु न जाई बखाना। यह कह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई हैं और इतनी अधिक व्याकुल हैं कि मुँह से वचन नहीं निकलता, तो श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया, वह समय और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी सासु पग लागी, सुनिए माय में परम अभागी, सेवा समय दे बनु दीना, मोर मनोरथ सफल ना कीना। तब जानकी जी ने सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ, आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ
सफल ना किया। तजब छोभु जनी छाड़िए छोहू, कर्मु कठिन कछु दोसु ना मोहु। सुनीस ये वचन सासु अकुलानी, दशा कवनी विधि कहो बखानी। आप शोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा ना छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उन्होंने दशा को मैं किस प्रकार बखान कहूँ। बारह बार लाई उर लीनी, धीर धरजु सिख आशीष दीनी। अचल हो अहिवात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जल धारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और जमुना जी की जलधारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीता ही सास आशीष सिख दीना अनेक प्रकार, चली नाई पद पदुन सिरु अति हित बार ही बार। सीता जी को सास ने अनेक प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलक बदन उठी धाये। कंप पुलक तन नयन शरीर सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने यह समाचार पाया तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। कहीं न सकत कछु चितवन ठाड़े, मीनू दीन जनु जलते काढ़े। सोचू हृदय विधि का होनिहारा, सबु सुख सुकृत सिरान हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में ये सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब कुछ और पुण्य पूरा हो गया है? मोह कहूँ कहा कहव रघुनाथा, रखी हही वबन की ले ही साथा। राम बिलो की बंधु कर जोरे, दे गे सब सन त्रनु तोरे। मुझको रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण के हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। तो आज का पाठ यहीं पे पूर्ण करते हैं और कल फिर मिलेंगे आपके साथ। तो कल देखेंगे कि तुलसीदास जी ने किस तरह वर्णन किया है कि लक्ष्मण जी किस तरह जाने के लिए तैयार होते हैं माता सीता और श्री रामचंद्र जी के साथ में, और क्या कहते हैं अपनी माता के कई को। तो कल फिर मिलते हैं एक नई एक उमंग के साथ में। तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए, और फैमिली एंड फ्रेंड्स को ज़रूर कहें कि आप लोग भी सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर अवश्य करें, ताकि जो मैं ये मंदिर बनाने के जो प्रयत्न कर रही हूँ वो पूर्ण किया जा सके। आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों का सहयोग होगा तो मैं ज़रूर कर पाऊँगी। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनके लिए थैंक्स, और जो नए हैं और जो वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग भी सब्सक्राइब कीजिए। तो कल तक के लिए नमस्कार।